नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सुजलॉन एनर्जी के लेटेस्ट न्यूज के बारे में। दोस्तों अभी अभी क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, तो कैसे रहे क्वार्टर फोर के रिजल्ट उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर प्राइस टारगेट क्या होंगे उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा की शुरुआत करें। इससे पहले दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इनिशिएट किया करें ट्रेड। ये सिर्फ हम लोग दोस्तों एजुकेशनल पर्पज के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे मूव कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सुजलॉन एनर्जी के रिजल्ट्स की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे क्या रहे बोर्ड मीटिंग आउटकम्स, तो डाइवेस्टमेंट ऑफ द कंपनी 75% इन द सुजलॉन जनरेटर लिमिटेड ए सब्सिडरी कंपनी टू वोथ टर्बो लिमिटेड। ये एक बड़ा आउटकम आ रहा है डाइवेस्टमेंट की, 75% स्टेक डाइवेस्टमेंट होंगे, एक तो ये चीज़ होगी सब्सिडरी की। और दूसरे दोस्तों आगे चलते हैं, रिजल्ट्स क्या रहे इनके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट रहे, अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखें तो टोटल इनकम में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। ये सारे फिगर करोड़ में दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फिगर्स करोड़, तो ज़बरदस्त उछाल आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 10-15% का उछाल लगभग देखने को मिल रहा है, 20% के आसपास इनकम में। और अगर टोटल एक्सपेंसेस देखें तो दोस्तों 1198 करोड़ के हुए हैं, तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा इस बार लॉस हुआ है, 57 करोड़ के आसपास का लॉस है, जो कि लॉस लास्ट टाइम से काफ़ी कम हो चुका, आधा हो चुका है, और लास्ट ईयर से भी लॉस काफ़ी कम हो चुका है। और अगर हम दोस्तों टैक्सेस और ऑल दिस फिर से निकाल लें, और भी चीज़ें निकाल लें, तो अगर हम डिफर्ड टैक्सेस ले लें यहाँ से दोस्तों एक्सपेंसेस काउंट करें, और यस यहाँ पर दोस्तों देखें तो टैक्सेस डिफर्ड और 1.11 करोड़, तो कहीं ना कहीं नेट लॉस जो हुआ है 60 करोड़ के आसपास का हुआ है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर देख ले 5.77, तो नेट लॉस जो निकल के आ रहा है वो 54 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर से काफ़ी कम हो चुका है। और लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर से तो देखिए 834 करोड़ के आसपास का लॉस था, इस बार केवल 50 करोड़ का लॉस बचा है, और लास्ट क्वार्टर से भी देखें तो आधा लॉस कम हो चुका है, तो लॉस कहीं ना कहीं कम हो चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए, अगर ग्रो कर रही है तो ये एक बढ़िया संकेत निकल के आ रहे हैं, बढ़िया यहाँ से एक आउटकम आया है। अब दोस्तों यहाँ का शेयर चार्ट चेक कर लेते हैं, तो चार्ट चेक में सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा शेयर था कि पेनी स्टॉक्स में सारे के सारे स्टॉक्स मूव कर रहे थे, बट ये शेयर अभी उतना मूवमेंट नहीं दिखाया। तो इसमें दोस्तों चूँकि पेनी स्टॉक है तो ज़्यादा एनालिसिस कह नहीं सकते, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से 5.50 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए इसमें, और ऊपर के लेवल दोस्तों अब ये 10 रुपये तक आराम से जाता हुआ नज़र आ सकता है। रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं और कहीं ना कहीं एक अप मूव मिलना चाहिए इस शेयर को, तो लॉन्गर रन के लिए दोस्तों 5.50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।